दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं मास कम्युनिकेशन, एमए इन मास कम्युनिकेशन। बहुत ही अच्छा कोर्स है और इस कोर्स को करके आप फिल्म में, टेलीविजन में, थिएटर में, आजकल मल्टीपल चैनल्स है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पे आप जॉब कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, आप बैकग्राउंड में भी हीरो बन सकते हैं। और जो मास कम्युनिकेशन है वो जर्नलिज्म से भी जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप टीवी पे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और आजकल अपने देश में जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नलिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि सच्चाइयां बयां करे और अच्छाइयां बयां करे। लेकिन आजकल क्या है, पॉलिटिकल एफिलिएटेड चैनल्स चलते हैं जो कि पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आजकल जरूरत है कि ऐसे पत्रकार की जो कि आम पब्लिक के आवाज को पावर तक पहुंचाए, यानी प्राइम मिनिस्टर तक और लोगों तक आम पब्लिक के राय पहुंचाए। तो दोस्तों आजकल है पॉलिटिकल एफिलिएटेड चैनल्स, तो इस सारे चैनल्स को बायकॉट करके आप अच्छी ईमानदारी वाली पत्रकारिता करें, वो भी आप अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के। तो दोस्तों ये है एमए मास कम्युनिकेशन, ये 2 साल का कोर्स है, यानी 4 सेमेस्टर का कोर्स है। सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होंगे। इसमें इनटेक है 30, यानी 30 सीटें हैं। इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से किए हो, चाहे आप बीए किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, चाहे बीटेक किए हो, चाहे आप एमबीबीएस किए हो, या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 50% होना चाहिए मार्क्स। और सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एडमिशन टेस्ट के थ्रू है। एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इस एडमिशन टेस्ट में एक पेपर होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरल अवेयरनेस पे होंगे। इसके अलावा 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि कम्युनिकेटिव स्किल्स पे होंगे, यानी कॉम्प्रिहेंशन पे। अब हम आपको सिलेबस भी बता देते हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस दोस्तों ये है कि आप एमए मास कम्युनिकेशन का देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में आपको करेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज पूछे जाएंगे, यानी नेशनल लेवल पे क्या इश्यूज हैं आजकल जो चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल न्यूज भी पूछे जा सकते हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और करेंट सोशल पे भी पूछी जा सकती है। मेजर नेशनल और ग्लोबल इवेंट्स जो भी हुए हैं, जैसे स्पोर्ट्स हुए हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुए हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा, यानी नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। इसके अलावा जो सी है, इसमें है कि नेशनल, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज, जो कि अच्छे पर्सनालिटीज है, बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि न्यूज में रहे हैं, उनके पे भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो दोस्तों जैसे किसी को नोबेल प्राइज मिलता है उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अवार्ड मिलता है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मीडिया अवेयरनेस होना चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, बुक्स, फिल्म्स एंड अदर मास मीडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, मीडिया इवेंट्स के बारे में पता चलना चाहिए, और पर्सनालिटीज एंड रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स के बारे में पता होना, यानी ऑब्जेक्टिव आपका जो क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स के, और 40 मार्क्स में आपके जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूं डिस्क्रिप्टिव टाइप जो टेस्ट होंगे इसमें क्या होगा। ये 60 मार्क्स का है, यानी सबसे ज्यादा वेटेज है वो 60 मार्क्स का है। इसमें क्या है, ये स्टैटिक पार्ट है, यानी इसमें सिलेबस जनरली चेंज नहीं होंगे, सिलेबस एकदम कन्फाइंड होंगे, सिलेबस लिमिटेड होंगे। तो इसमें आपसे पूछे जाएंगे राइटिंग न्यूज के बारे में, फीचर्स, इंटरव्यू एंड ओपिनियन। किसी भी इंसान का ओपिनियन होता है, जैसे आपको किसी भी मुद्दा हो उस पर आप ओपिनियन किसी से लेते हैं, उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। कहीं किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे आप शाहरुख खान से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, न्यूज बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, तो ये कम्युनिकेटिव पार्ट में आता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मास मीडिया एंड इट्स मास मीडिया कंटेंट, तो मीडिया का कंटेंट क्या है, और जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब कैसे इनको इवैल्यूएट कर पाएंगे, कैसे जज कर पाएंगे कि ये मीडिया कैसा है, प्रिंट मीडिया सही है, सोशल मीडिया सही है, या आपका जो बड़े जो मीडिया हाउसेस है वो सही है। रिव्यू एंड क्रिटिसिज्म, बुक्स की, रेडियो के, टेलीविजन की, इसके क्रिटिस और रिव्यू, यानी ये कैसा है, बुक्स कैसा है, फिल्म कैसा है, रेडियो कैसा है, टेलीविजन कैसा है। इसके बाद जो है चौथा पार्ट है वो है
सेंटेंस स्ट्रक्चर, idioms, synonyms, antonyms, composition and comprehension और precise writing. Precise writing यानी summary writing. कोई भी बड़ा news है उसको छोटा में आपको कैसे बनाना है, इसको बोलते हैं precise writing. तो दोस्तों English में आपको ये जो चौथा पार्ट है, 60 मार्क्स को अगर आपने चार भागों में डिवाइड करेंगे तो 15-15 मार्क्स आएंगे, यानी 15 का English, 15 का review and criticism on books, film, radio, TV और 15 नंबर के critical evaluation of mass media and its mass media content और 15 नंबर के आपको न्यूज, फीचर्स, इंटरव्यू एंड ओपिनियन. तो दोस्तों मैंने आपको सिलेबस बता दिया है. सिलेबस के अलावा अब हम बढ़ते हैं एग्जाम कब होंगे. एग्जाम दोस्तों पिछले साल 2019 में मई में एग्जाम हुआ था 23 मई को, तो 2020 में भी 23 मई को आसपास होगा और आने वाले दिनों में भी 23 मार्च के आसपास ही होने वाले हैं, यानी 21, 22, 23 जो भी साल होंगे उसमें मई में टेस्ट होंगे. 2 घंटे का टेस्ट होता है और फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है. फॉर्म निकलने वाले 20 जनवरी के आसपास, हर साल 20 जनवरी के आसपास फॉर्म निकलता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का. तो आप जनवरी फरवरी में एक्टिव रहिएगा फॉर्म भरने के लिए. आप किसी भी साल इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन आप जनवरी फरवरी में एक्टिव रहिएगा फॉर्म भरने के लिए और आपका जो एग्जाम होगा वो मई में एग्जाम होगा. दोस्तों 1 महीना का टाइम मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए. फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होता है और एग्जाम बहुत सारे सेंटर पर भी होते हैं और बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसी भी है. मुस्लिम और रिलीजियस कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं है. बाकी फौजियों के लिए है, फौजियों के बच्चे के लिए है, गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ के लिए है, एएमयू के एम्प्लॉयज़ के लिए है, बहुत सारे रिजर्वेशन है. उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ. इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर रिजर्वेशन पॉलिसी, वहां पर जाकर आपका एज का क्राइटेरिया, वहां पर जाकर आपका एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते. तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद, जय एएमयू.